दोस्तों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज दिल्ली वासियों के लिए विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। पहला ऐलान तो ये रहा कि दिल्ली में 80,000 और बुजुर्गों को अब पेंशन मिलेगी। 5,00,000 लोगों को हर महीने 2,500 रुपए तक मिलेंगे। चुनाव से पहले देखते हैं, आइए आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं। हाल ही में 21 नवंबर को भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट भी जारी की थी। और अब विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है और साथ ही इस स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को और जोड़ा गया है। अभी तक 4.5 लाख लोगों को इस योजना का स्कीम का फायदा मिलता था, लेकिन अब 5 लाख से भी ज्यादा बुजुर्ग इस स्कीम के दायरे में आएंगे। इस योजना के तहत 60 से 69 साल तक के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे पेंशन के तौर पर, और जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं दिल्ली में उन्हें हर महीने 2,500 रुपए तक मिलेंगे। इस स्कीम का ऐलान करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से वो जेल से बाहर आए थे और ये स्कीम उनको शुक्रिया अदा करने के लिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल है दोस्तों वो 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है, ठीक है, यानी अगले 2 महीनों में दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। इससे पहले पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था और उसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, मतलब दिल्ली में 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। और अभी केजरीवाल बोले कि पहले की सरकारों की तुलना में पेंशन दुगुनी कर दी जाएगी। दिल्ली में अभी दी जा रही है दुगुनी पेंशन। अन्य राज्यों में जहां डबल इंजन सरकार है वहां भी पेंशन बहुत कम है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में 500 और 600 रुपए हर महीना मिलती है। उन्होंने कहा कि 2015 में जब हमारी सरकार आई तो हमने दिल्ली में पेंशन को दुगुना कर दिया। पहले 1,000 मिलते थे उस जगह पर भी अब 2,000, और जहां 1,500 मिलते थे बुजुर्गों को उस जगह पर भी अब 2,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसके अलावा भी हाल ही में आपको पता होगा, आम आदमी पार्टी ने 22 नवंबर को रेवड़ी पर चर्चा नाम से एक नया अभियान भी शुरू किया था। मैंने आपको ये अपडेट बताया भी था DLS न्यूज चैनल पर पहले भी। केजरीवाल ने ये रेवड़ी पर चर्चा अभियान शुरू करते हुए कहा कि हम दिल्ली में 65,000 मीटिंग करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां चाहिए या नहीं। वैसे दोस्तों अभी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लोगों के लिए ये 6 फ्री सुविधाएं देती है, जिनमें पहला है मुफ्त बिजली, दूसरा मुफ्त पानी, तीसरा मुफ्त शिक्षा, चौथा मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज, पांचवा महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, और छठा बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा योजना। तो देखना ये होगा कि आखिर दिल्ली सरकार इन योजनाओं को कब तक फ्री रख पाती है। वैसे आम आदमी पार्टी ने पहली चुनावी लिस्ट भी जारी कर दी है विधानसभा चुनाव 2025 के लिए। इन 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और चुनाव से पहले केजरीवाल ने एक बहुत ही बड़ा दांव खेला है बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने और उनका दायरा बढ़ाने का। आपकी क्या राय है दोस्तों, दिल्ली में वापस क्या केजरीवाल सरकार आ सकती है या इस बार सत्ता पलट देखने को मिल सकती है? आपकी राय विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।